मुकाबले में यहाँ पर हाजीपुर बनाम मुल्लापुर के बीच मुकाबला। अच्छी पहली गेट के लिए गए हैं रेडर अतीक, एक अच्छे रेडर है पांच नंबर की जर्सी में। हालांकि मुल्लापुर की टीम भी जबरदस्त है और यहाँ पहले रेड पर टर्कल किया गया थी, कुछ समय रेड करने के लिए गए हैं हाजीपुर के कोर्ट में। हाजीपुर यहाँ की लोकल टीम और जबरदस्त तरीके से उछाल मारी, यहाँ पर दो तीन पॉइंट का इशारा आता हुआ सुपर रेड, पहले ही रेड पर सुपर रेड लग गई है। तो 150 रुपए हालांकि इशरत का यहां से ढीला हुआ। पुनः कानपुर के प्रधान इशरत ने हर सुपर रेड पर 150 रुपए का पुरस्कार लगाया है। खुर्शी इस समय टीम थोड़ा सा पिछड़ती हुई और खुर्शी का भी शिकार किया गया है यहां पर। तो जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई इस समय मुल्लापुर की टीम, मात्र दो खिलाड़ी यहां से बचे हैं सुपर टैकल तो जरूर आन है और यहां पर सुपर टैकल होता हुआ निश्चित तौर पर सुपर टैकल। हालांकि एक समय ऐसा लगा कि मेराज झिझक रहे थे, वहां पर शिबू ने शिकंजा झगड़ा था, लेकिन मेराज बाद में गए कवर देने के लिए। अच्छी पहली रेड पर उनको टैकल किया गया था, इस समय एक और रेड के लिए गए हैं। एक जबरदस्त संघर्ष चलता हुआ इस समय दोनों टीमों के बीच में यहां पर। हालांकि मुल्लापुर पहला मुकाबला अपना जीत चुकी है, यहां से तो थोड़ा सा रिलैक्स जरूर होगी मुल्लापुर। मुल्लापुर एक और सुपर टैकल, हालांकि इस बार तीन खिलाड़ी है, दो खिलाड़ी गए रहते सुपर टैकल कर चुके हैं, लेकिन इस बार गलती कर गए शिबू निश्चित तौर पर, बहुत नहीं कर सकते। 6-2 का स्कोर है। रेडर अतीक इस समय कोशिश करते हुए, रेडर अतीक अभी तक एक बार उनको टैकल किया गया है, एक रेड यहां से एम्प्टी गई है उनकी, तीसरी रेड के लिए गए हैं। अतीक कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मुश्किल वक्त है उनकी टीम के लिए इस समय। हालांकि रेड यहां से एम्प्टी जाती हुई, इधर रेडर दीपक एक बार उनको सुपर टैकल किया जा चुका है, हालांकि सुबह ये तो 2.5 पर फंसे हैं। अति कोई चॉइस नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है रेडर के पास और रेडर को डैश किया गया है यहां पर। ऑल आउट होने के कगार पर पहुंचती हुई टीम हाजीपुर और ऑल आउट हुई है यहां पर। इस समय पॉइंट का जहां तक सवाल है 10-2, 10-2 8 पॉइंट की बहस बना चुकी है मुल्लापुर की टीम हाजीपुर के खिलाफ। क्या पलटवार करेगी हाजीपुर की टीम। खुर्शी एक रेड के लिए गए थे, उनको टैकल किया गया था, इस बार गए हैं रेड करने के लिए, लेकिन रेड साइड एम्प्टी जाएगी, एक लास्ट में अटेम्प्ट जरूर किया लेकिन रेड एम्प्टी गई। इधर रेड और दीपक लगातार रेड करते हुए अपनी टीम की तरफ से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय दीपक निश्चित तौर पर। अगर ये मुकाबला मुल्लापुर जीत जाती है तो फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम, लेकिन मेराज का शिकंजा यहां पर जकड़ा है एक बार पूरा। उन्होंने दिखाया कि एंकल होल्ड में उनका सानी कोई क्यों नहीं है। क्या मुबारक यहां से कोई पॉइंट लाएंगे, इस समय टीम पिछड़ रही है, 7 पॉइंट से पीछे है टीम, 3-10 पॉइंट का जहां तक सवाल है। मुबारक रेड करते हुए, लेकिन संभवतः सेफ रेड करके वापस आने का इरादा है, एक और अटेम्प्ट तो यहां पर किया है मुबारक ने और टैकल भी किया गया है मुबारक को। मजबूत बढ़त बना चुकी है टीम, यहां से क्या आक्रमण करना है तो सिर्फ और सिर्फ हाजीपुर को करना है। इस समय रेड करने के लिए गए हैं अतीक, कोशिश करते हुए अपनी तरफ से कोर्ट फुल है और यहां अतीक का शिकार पुनः किया गया, लगातार इस समय अतीक का शिकार होता हुआ 12-3 2-2 कोई चॉइस नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है रेडर के पास, या तो करेगा या मरेगा रेडर। हालांकि लाइफ लाइन बोनस के रूप में
मौजूद है। चार दीपक बोनस लेकर अपने आप को बचाएंगे या चेक पॉइंट लाएंगे या शिकार किया जाएगा उनका। मुश्किल वक्त है इस समय रेडर के लिए और यहाँ पर शिकार होता हुआ रेडर। मुबारक ने दोनों पैरों को होल्ड किया, साथी खिलाड़ियों ने चेन बनाकर कवर दिया और शिकार किया गया। हाफ टाइम के पहले की अंतिम रेड होगी। यहाँ से अतीक है रेडर इस समय, चार खिलाड़ी मात्र बचे हैं कोर्ट में। हाफ टाइम के पहले की अंतिम रेड है और शिकार अतीक का होता हुआ पुनः। हाफ टाइम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इस समय पॉइंट का जहां तक सवाल है 6-13 यानी 7 पॉइंट की बढ़त हाफ टाइम तक बना चुकी है टीम। बहुत ही मुश्किल होगा। चलिए डू और डाई की रेड ये होती हुई खुर्शीद की तरफ से। हालांकि मुश्किल वक्त है अब हाजीपुर के लिए देखा जाए तो निश्चित तौर पर मुल्लापुर ने जबरदस्त खेल दिखाया है यहां पर। हालांकि बोनस भी चालू है लेकिन संभवता यस बोनस का इशारा आता हुआ, बोनस का इशारा आता हुआ और सेव किया अपने आप को खुर्शीद ने। हालांकि सुपर टैकल ऑन है यहां पर, एक सुपर टैकल तो की है टीम ने। इस समय जरूरत है क्या सुपर टैकल करेगी टीम या दीपक ऑल आउट करेंगे एक बार और हाजीपुर को। गलत टैकल का प्रयास मेराज के द्वारा, एक पॉइंट और आ जाता हुआ। तब तो कह सकते हैं इस मैच की औपचारिकता भर शेष है क्योंकि मजबूत बढ़त बना चुकी है 17-7 की यानी 10 पॉइंट की बढ़त है। हालांकि अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं बचा है हाजीपुर के लिए तो कह सकते हैं कि फाइनल की तरफ अपने कदम बढ़ाती हुई इस समय मुल्लापुर की टीम निश्चित तौर पर जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करती हुई टीम। और यहां टैकल हुआ खुर्शीद का भी, खुर्शीद का भी टैकल होता हुआ तो मात्र एक खिलाड़ी शेबू के रूप में बचे हैं। अब तो कह सकते हैं कुछ होगा ही नहीं संभवतः यहां से। ऑल आउट हुई टीम एक बार पुनः हाजीपुर। टाइम 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 पार पाना तो मुश्किल है। 21-7 बिजनौर की टीम बिल्कुल सॉरी गाजीपुर की टीम बिल्कुल रेडी रहेगी। इसके बाद उनका मुकाबला हाजीपुर से होना है। रेडर मुबारक, बोनस यहां पर अटेम्प्ट किए हुआ कि नहीं ये बताएंगे। बोनस का इशारा तो आया लेकिन अब इससे कुछ होने वाला नहीं है निश्चित तौर पर क्योंकि एक मजबूत बढ़त बना चुकी है मुल्लापुर की टीम। दो बार हाजीपुर की टीम ऑल आउट हो चुकी है इस मुकाबले में तो यहां से कह सकते हैं औपचारिकता भर शेष है। अब रेडर मुबारक, इसके पहली रेड पर एक हालांकि इस बार टैकल किया गया, सोलो टैकल, एक पॉइंट और तो ये अंतिम रेड होगी। यहां से अंतिम रेड इस मुकाबले की तो कह सकते हैं आपकी मुल्लापुर की टीम फाइनल पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है यहां पर। तो हाजीपुर की टीम यहीं पर बनी रहेगी। पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, ताजा दम हो रही है। और गाजीपुर की टीम को